उमर अशरफ जुड़ गए हैं जो कि एक्स जामिया स्टूडेंट हैं और जिन्होंने ये स्टोरी करी थी। क्या उमर अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन पर चल सकते हैं? उमर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे आपको पता लगा और क्या किसी ने जानबूझकर तोड़फोड़ की या पत्थर अपने आप टूटकर गिर गया था, इसके बारे में बताइए। क्या किसी ने शरारत की यहाँ पर? दीपक चौरसिया जी, सबसे पहली बात ये कि आपने डेट गलत बताया है। मैंने ये स्टोरी 26 तारीख को की थी और माफी चाहूंगा, दुरुस्त कर लेता हूँ। हाँ, और ये जो चीज है ये टूटी हुई काफी पहले सी थी। असल में जामिया में 25 तारीख को जामिया के फाउंडर डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब की योम पैदाइश थी, 140वीं जयंती थी, तो मैं उनको खराज अकीदत पेश करने एज ए जामिया स्टूडेंट गया था। तो वहां पे मुझे तमाम खबरें टूटी भी जो खबरें वो भी जर्जर स्थिति में थी, जैसे सारे देश ने देखा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत सारे शहीद दफन हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे राइटर हैं, तो मैंने तमाम लोगों के ऊपर एक वीडियो स्टोरी की है 12 मिनट की। इसके अलावा मैंने ब्रिगेडियर उस्मान पे एक अलग से स्टोरी की, क्योंकि आप जैसे लोग नेशनलिज्म की बात लगातार उठाते हैं लेकिन आप लोगों ने भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद हमने एक स्टोरी की हेरिटेज टाइम्स से, जिसपे भारतीय सेना ने संज्ञान लिया। आप अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भारतीय सेना ने इस पर संज्ञान लेके इसे मुकम्मल मत करवाया जामिया प्रशासन और लोकल लोगों की मदद से, जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं एक मुद्दे को सामने रख रहा हूं उमर, और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने वाकई में एक ऐसा मुद्दा देश के सामने लाया है जो मुद्दा उठना चाहिए था और एक पत्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि इस मुद्दे को उठाएं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ गया। सर, सर जामिया में एक और शहीद वहां पे आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम आपको शायद नहीं पता होगा, शफी अहमद किदवई, अक्टूबर 1947 में शहीद हुए हैं। उस्मान साहब जुलाई 1948 में शहीद हुए हैं, तो उनके ठीक बगल में वो भी दफन है, तो उनकी भी कब्र की हालत खराब है। आप उनके ऊपर स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं, आप बेसिक आपका एक अलग एजेंडा है, आप एजेंडे पे चल रहे हैं, जबकि मैंने स्टोरी एजेंडे पे नहीं की थी। मेरा मकसद ये था कि जितने भी बुजुर्ग हैं जिसने इस मुल्क की आजादी की खातिर, इस मुल्क की हिफाजत की खातिर कुर्बानी दी है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तमाम कब्रों की हालत खराब है। तो चलिए हम दोनों मिलकर बीड़ा उठाते हैं कि वहां की कब्रों की मरम्मत कराई जाए। उमर अशरफ साहब, हम दोनों मिलकर ये बीड़ा उठाते हैं, हर शहीद को उसका सम्मान मिलना चाहिए और देश की ये जिम्मेदारी है कि अमर शहीदों का सम्मान दिया जाए। क्या इस बात से आपकी राय जुदा है आपकी और मेरी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सिर्फ जामिया नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हमारे शहीदों की इज्जत करनी चाहिए। तो मैं उमर आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जामिया के लोग संविधान, लोकतंत्र और बाकी चीजों की बड़ी दुहाई देते हैं, आपको याद आ गया, लेकिन जामिया प्रशासन को ये याद नहीं आया कि वहां पर एक अमर शहीद की कब्र है, कम से कम उसका रखरखाव हो जाए, कम से कम उसका मेंटेनेंस हो जाए। सर, मामला यही है कि पिछले एक साल से यूनिवर्सिटी बंद है, ये आपको भी पता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो लेकिन यही है कि हम उस पर आवाज उठाने ही के लिए गए थे। हमने वहां के पीआरओ से बात की, जो लोग देख रेख करते उनसे बात की, उन्होंने भी वही चीज कहा जो आपसे कहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने बहुत अच्छी स्टोरी उठाई है, लेकिन मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि खबरों और तथ्यों को सामने लाना, और मैं आपको बधाई दे रहा हूं, लेकिन आपने मेरे एजेंडे पर डाउट किया, इसलिए आपका सम्मान है, आप अपने हक और अपनी आवाज कहीं पर किसी भी पर्सपेक्टिव में उठा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा साफ है। छोटा सिपाही हो या महावीर चक्र पाए ब्रिगेडियर उस्मान, आपके यूनिवर्सिटी में बसों में आग लगाने में लोग संकोच नहीं करते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं करते बसों में आग लगाने में, सीए के नाम पर दंगा फैलाने में संकोच नहीं करते, लेकिन अमर शहीद के नाम पर संकोच।